हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। हम जो कोई खाना खाते हैं तो बचपन में कोई बहुत स्वादिष्ट खाना रहता होगा, मिठाई उठाई, तो जल्दी घोटता नहीं था आदमी उसको, उसको ज्यादा देर तक चबाता था, समझ में आ गया। कोई दवाई रहता था हड़ाक दे घोट जाता था। और उस समय तो आप ही बताइए, जीभ पर टेस्ट का प्रभाव कब तक रहता है, वो हम जब तक चाहें तब तक। कभी कभी आदमी तीता खाना खा लेता है, नागिन डांस करने लगता है, नहीं समझे, माता ऐसा लहरा देता है एकदम कोनवा में जाके, एकदम नागिन डांस ऐसे करेगा वो। तो जीभ पर प्रभाव कब तक रहता है, वो हमारी इच्छा में रहता है, जब तक चाहे नहीं 10 मिनट बाद वो खत्म हो जाता है। अभी थोड़ी हो जाएगा कि आप रसगुल्ला मुंह में रख ले रही है सुबह शाम को, कौन सी खा रसगुल्ला सड़ जाएगा मुंह में 2 दिन तक मुंह में रखिएगा, मुंह में सड़ जाएगा, और 1 हफ्ता रखिएगा मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। चीटी लग जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, मुंह में चीटी लग जाएगा, ओकरो खा जाना। तो बताइए, इसका प्रभाव 0.1 सेकंड तक रहता है, कितने सेकंड तक, हम जो बात बोले हैं वो कितने सेकंड तक रहे, 0.1 सेकंड को हम 1/10 सेकंड लिख सकते हैं। अरे बतिया बराबर है, भाग देंगे तो 0.1 से, तो हम जो आपको बात बोले हैं ना उसमें कितने देर तक आपके कान पर पड़ा, 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड के बीच में 2 आवाज आ जाएगा तो दोनों और सुनाई नहीं देगा, कंफ्यूज आ जाएंगे। तो फोन पे कभी बतियाते होंगे तो देखते होंगे दोनों बोल देता होगा, अच्छा सुनो ना, अच्छा तू वो बोल देगा, हाँ बोल, तो कहेगा अच्छा तुम ही बोल, होता है कि नहीं कभी कभी, समझ में आएगा। तू वो कहेगा ना ना तुम ही बोल पहले, ए में उजरा ना तो पहले तुम बोल, तो फोन काट दे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, गेलो। तो एक 0.1 सेकंड के दौरान 2 आवाज आ जाएगी तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में कितने का गैप होना चाहिए, 0.1 से या 1/10 से, यह पूछ ले एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में गैप कितना होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक ये क्या होता है, 20 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, 20 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम। 20 हर्ट्ज से कम होने की वजह से हम लोग इसे सुन सकते हैं क्या, हम इसे सुन ही नहीं सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम, समझ आ गया कि नहीं आ गया, इतना धीमा रहता है नहीं सुन पाते हैं। जैसे कोई आपके बगल से नीचे से कोई छोटा मोटा चूहा जाएगा तो हिला उला के जाएगा, कुछ उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होगी इतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है आपको पता नहीं चलता, समझ में आ गया। लेकिन कुत्ता बिल्ली ये सब बैठल बैठल रहेगा, अचानक देखने लगता है कौन चूहा रे, देखते हैं तुरंत जाग जाता है, कुत्ता आराम से सोए रहेगा, अकर्मा फिर खड़ा कर लेगा, कौन रे, समझ में आ गया कि ना। क्या जानवर उनवर को देखिए, खाना खा रहेगा छोड़ देगा, ये सब ज्यादा सर कुत्ता बिल्ली में ज्यादा देखा जाता है, समझ में आ गई ना। गाय वगैरह ढीठ हो जाते हैं, खाना तो हमारा मिलबे करता है हाँ, लेकिन तनी तनी आंख उठा के देख लेता है कौन जी हो गए यहाँ पर। भूकंप भूकंप आता है ना तो धीरे धीरे ध्वनि आती है, हल्का सा धीने 5 मिनट पहले कौन सी तरंग आती है, अवसरम, हम लोग को पता ही नहीं चलता। अकुतवा सुन लेता है कि रे भाग रे भाई भाग, यहाँ छोड़ दे, आपन गली होके चाहे केकरो छोड़, यहाँ से भाग, यहाँ भाग जाता है सर। भूकंप आया था तो कुत्ता देखने को मिल रहा था, सब व्यवस्था देख लिया था, सपना साइड हो गया था सब, समझ आ गया। ये कह रहा है कि हमारा कुतवा चुपचाप भाग गया, बताया भी नहीं वो क्या बताएगा तुमको तो बताइए ये ध्वनि हम सुन सकते हैं, कौन सुन सकता है, जानवर कौन सुन सकता है, या कीट वगैरह क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं जानवर या कीट वगैरह सुन सकते हैं। सांप का कान नहीं होता है, वो बेसिकली कंपन को सुनता है, किसे सुनता है, कंपन को। जब बीन बजता है ना तो बीन की ध्वनि नहीं सुनता, बीन से जो कंपन आती है उसे सुनता है, और कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, जिसमें हर्ट्ज होता है, क्या होता है, हर्ट्ज।
तो हम लोग जो होते हैं, हम लोग से ज्यादा अच्छा से कंपन कौन भाप लेता है? सांप। कुत्ता भी भागता है, बिल्ली भी भागती है, सांप भी भागता है, लेकिन सांप एक्चुअली वो आवाज की इंटेंसिटी नहीं सुनता है, कंपन सुनता है, इसलिए सांप भाप जाता है, साइड हो जाता है। उसको कहता है भूकंप से हमारा कौन दिक्कत है, और दो चार को हमारा घर बन जाएगा, घर गिरेगा उसमें ही रहने चल जाएगा, नहीं जान जाएगा, उसको क्या दिक्कत होता है सांप को, उसका मुड़िया भी गिर जाएगा। उतना भी घर गिरता है तो ऐसा नहीं रहता है कि उसमें कोई बच ही नहीं सकता। जब भी भूकंप आए ना तो कोना में घुस जाइए, किसी भी घर के कोना पे। अब जैसे ये घर है, अब घर घर में अक्सर देखिएगा ना तो इंडियन घर का एक कल्चर होता है, एक छज्जा निकाल देता है, क्या निकाल देता है, छज्जा निकाल देता है ताकि वो पे सामान रखेगा, तो छज्जा के किनारवा मत आइएगा, ये छज्जा मजबूत नहीं होता है। पता चलेगा कुछ गिरे ना गिरे छज्जे गिर जाएगा। तो जिस कोना में छज्जा नहीं है उस कोना में आप अगर खड़े हो जाएंगे तो घर जो गिरेगा भी ना तो उसमें कुछ कोना कोनी बच जाएगा, तो आपका मुड़िया फूट जाएगा, तो हेलमेट तो मिलेगा नहीं घर में, बाल्टी ओल्ड है ससुर। देखिए बात समझिए, अगर एक इतना बड़ा, अगर ये घर इस तरह से गिरता भी है, अगर गिरता भी है इस साइड में तो ऐसा कोई टुकड़ा भी गिरता है तो बाल्टी उल्टी ओल्ड लोग भाई उस समय तो बच तो जाएगा, पता चला टुकड़े आके लग गया इसमें, या फिर कोई चौकी हो तो कोना में चौकी लगा है ना सीधे घुस जाइए, सीधे क्या चौकी में नीचे, घर जो गिरता है ना तो एक दीवार दूसरे दीवार पे रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि कोनो समोसा थोड़े है कि बैठ गया तो चपा गया इसे, घर गिरता है तो एक दीवार दूसरे दीवार पे क्या हो जाता है रुक, और हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझते ना, ऐसा नहीं है कि पूरा अब एकदम परमाणु बम थोड़े मारा है उसमें, कुछ संभावना रहती है, घुस जाइए वहां पर कुछ उड़ उड़ कर। और हमेशा की तरह खान सर की वीडियो हमेशा ही ज्ञानवर्धक रही है, और आप लोग जानते ही हैं कि खान सर कितने महान टीचर हो चुके हैं भारत के लिए, और कई लाख फॉलोअर्स हैं उनके, और उनकी वीडियो मिलियंस में आती है अभी, फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।